जिले के नोडल अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन, सीडीओ अनुज सिंह, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संजय अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि ऋण मोचन योजना में लाभान्वित लघु सीमांत किसानों से वसूली के लिए पूर्व में जारी आरसी बैंक वापस लें। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया है कि वे सभी बैंक से समन्वय स्थापित करके आरसी वापस कराएं। उन्होंने पेंशन योजनाओं में प्राप्त लाभार्थियों का चयन न्याय पंचायत कैंप लगाकर करने पर प्रसन्नता व्यक्त किया। सौभाग्य योजना की समीक्षा में उन्होंने पाया कि अप्रैल माह का लक्ष्य विभाग द्वारा पूरा नहीं किया गया है, इस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि मई माह तक बेललॉक सहित 1200 मंजरों में निशुल्क कनेक्शन देने का कार्य पूरा करें। उन्होंने खराब ट्रांसफार्मर को अनिवार्य रूप से 48 घंटे में बदलने का निर्देश दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने डॉक्टर की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता, मिशन इंद्रधनुष JEAS की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मोहद्दीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया फोरलेन के निर्माण के पूर्व अतिक्रमण वाले स्थानों की नगर निगम वीडियोग्राफी कराएगा। समीक्षा में उन्होंने पाया कि लगभग 17.50 किलोमीटर में 1.50 किलोमीटर सड़क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण है, इसे हटवा कर ही फोरलेन सड़क बन पाएगी। नंदा नगर अंडरपास का रेलवे द्वारा काम शुरू हो गया है, बस स्टेशन का निर्माण चल रहा है। RTO कार्यालय के लिए गीड़ा में भूमि दे दी गई है, 5 करोड़ रुपए भी प्राप्त हो गए हैं। ट्रेनिंग स्कूल चरगावा में बनेगा, परंतु अभी इसकी डिजाइन फाइनल नहीं है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि रामगढ़ ताल में नौकायन के लिए जल निगम ने नावें खरीद कर मंगा लिया है। उन्होंने एक सप्ताह में इसे GDA को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए भूमि पर स्थित भवन का मूल्यांकन एक सप्ताह में पूरा करने का अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने कमेटी की अभियंताओं को 3 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने एम्स के निर्माण की समीक्षा किया। उन्होंने यहां स्थित विद्युत उपकेंद्र जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। 18,000 जितने बाद हुए आपके संस्थाएं का बैलेंस हुए ऐसे ज्यादा कोई उसके पूर्व चकबंदी की शिकायत हो रहा है, चकबंदी में पेट्रोल की शिकायत है, कब्जा की शिकायत है, शिकायत है ना। सभा इतने बारे में बिजली बारे पॉजिटिव चाहिए थी काम जो है व्यवस्था की है। सभा योजना कहते हैं कितने का सब्सिडेट हुआ आपके जून में 750 मजरे कर लेंगे, 600 मजरे आपका नाम क्या? चीज आपका शुभ नाम क्या है? श्रीवास्तव जी। अगर कोई भारत सरकार की योजना है, राष्ट्र का योजना है, 600 करने दे, कोई ग्राम स्वराज योजना आ गई थी, घर के 350 रह गए, ये तो भाई मुझे मेरे 350 ये सब ग्राम स्वराज वाले आते हैं। और वैसे कितने किए? वैसे सब हम लोग करीब उसमें 225 करता है, उससे कम हो गया ना आपका? जी जी जी। आप लक्ष्य मेरा नहीं था, आपने खुद कहा था मेरे को मैं 600 करूँगा जी, इतना आपने कहा नहीं था आपने मैं 600 करूँगा, आपने किए 550। कोई रिसोर्सिंग दिक्कत है? दिक्कत क्या है? कोई सर दिक्कत है कि LNC हमारी एक ही है यहाँ पे, तो LNT से बड़ी सस्ता नहीं है कोई काम नहीं है उसके। अभी एलवाई सर मार्च लास्ट में हुई है, तो कुछ मटेरियल तो वो थी कि मैं उनके सामान भाई वो तो बोल रहा मैं दो चीज़ साफ बताई जाए तो समस्या है या नहीं है? नहीं समस्या समस्या है तो मैं नेटवर्क अपना लोन भी समस्या नहीं है तो आपको काम करना है, आपकी जिम्मेदारी आप काम करना पड़ेगा। समस्या है अथवा नहीं है? नहीं समस्या कुछ नहीं है सर, मुझे काम क्यों नहीं हो रहा? नहीं काम हो रहा सर, इनको पेगा कवरेज वो होता है संस्था तो एक होगी, उसकी काम करने वाले तो ज़्यादा होते हैं ना, इसी ज़्यादा होता है ना। नया एलवाई हुई है जस्ट अभी सर, तो हमारे चुनाव में मानव कहने जा रहा ये संस्था तो
आपने जब अप्रैल में वादा किया था उससे पहले बन गई थी ना? ये एल वाई एल एम टी जो हुई है लास्ट मार्च 19 को हुई है और मेरी बैठक अप्रैल में मार्च में ही मार्च को कोई बात नहीं। अब आपकी मई में बैकलॉग आपका 100 मंजिले का रह गया 150 मंजिले का जी आपको जी कर देंगे श्योर जी। और जून एंड तक 1900 मंजिले कम्प्लीट हो जाएंगे जी। टोटल मंजिले कितने बचे यहाँ पे आपके? टोटल मंजिले साहब 6300 बचे। 6300 तो 6300 में 1900 मंजिले आपके जून तक कम्प्लीट हो जाएंगे जो हमें लक्ष्य है। 250 मंजिले में ज़्यादा सर आपकी एक्स्ट्रा क्यों ऐड नहीं होंगे इसमें? 350 मंजिले तो उसमें ऐड करके 2200 कर देना फिर उसमें आगे लगेगा तो 2250 तो 2250 मंजिला जून तक करेंगे जी। और मई एंड तक कितने करेंगे? मई एंड में 350 ये सब गेन कर रहे और 250 उसको इधर पाएंगे तो 1250 हो जाएंगे। हम 1400 पाएंगे कितने हुए? मई तक ये 1550 कर पाएंगे। वेरी गुड ठीक है तो मई तक 1550 नोट कर लीजिए सर। और टिकट वगैरह शुरू कर दिए कोई रिसोर्स कंट्री दे रहे हैं अभी 10-12 दिन देख लो देख लो तो मुझे सीधा बता देना जब अपने अमिता को बता दीजिएगा मैं बात मुझे पहले बताया होगा कल ही अमित साहब अतुल निगम साहब का मीटिंग हुई है तो पोजीशन बताई है तो हम लोग डिपार्टमेंटली अरेंज करने के लिए बोला गया कि डिपार्टमेंटली हम लोग दिया अरेंज का मेडिकल डिपार्टमेंटली तो आपका प्रोसीजर है श्रीवास्तव जी बिल्कुल तो दिक्कत है कि नहीं है ये बताओ। दिक्कत सब कुछ ऑर्डर एल एन टी का अप्रैल में प्लेस हुआ उनका सामान बाकी है अंडा कृषि विभाग की तरफ से सर जैसा आपने निर्देशित किया था सर हमने सर यहाँ पे ग्राउंड वाटर से पोस्टर लगाया था एक आप ये बताओ कि जो हमारा SBI वगैरह का किसान माफी का ऋण माफी का जो लोग राइट ऑफ कर दिया गया था जिसकी आरसी जारी हो चुकी है उसकी क्या स्थिति होगी? आरसी जारी होगी तो सर पेंडिंग रहता है डिमांड हमारी पेंडिंग रहती है और हमारा सरकार ने किसान माफी कर दी है। किसान का 20,000 रुपये का है 20,000 रुपये कह रहे हैं करोड़ हम 200 करेंगे कुछ वो NPA में आएगा हमारे यहाँ से NPA में तो देखिए आज किया जाएगा NPA वाले आप ले रहे हो उसको ना? जी सर NPA वाले ले रहे हैं 7 मई से ले रहे हैं NPA में ले रहे हो ना? जी सर NPA का पैसा लगा रहा है NPA का पैसा लगा रहा है तो उसकी आर्थिक से रुकवा दे काम को आप ले जाओ आप एमपी का पैसा मिलने वाला राज्य सरकार से आप क्लेम कर रहे हो उसको जी उसकी वसूली तो नहीं होगी ना सर? पैसा मिलने पर वसूली अपने आप बंद हो जाएगी अभी तो आपको रुकी हुई है क्या अपने पास ऋण मोचन से लाभान्वित हो जाए तो आप आरसी वापस कर लीजिए ऐसा ही भेज देंगे आरसी का ऋण मोचन की पात्रता ना आ रहे नहीं आ रहे जो पात्रता का ग्राउंड है तो उसको उसकी कर भेज दीजिए इसको तो निकल जाए आपको भेज देंगे आरसी वापस। अगर सर जैसे किया सर और तहसीलों ने भी रेकमेंड किया उनका ऋण मोचन भी हुआ सर लेकिन क्योंकि उनके खाते जो ऑलरेडी उनके राइट ऑफ हो चुके हैं तो उनके खाते सर बैंक में है नहीं सर किसान का सारे आरसी सारे अस्पताल जो किसान से संबंधित हो जब उस बात की पुष्टि हुई उसके लिए किसान कह रहा है कि मेरा ऋण मोचन से पात्र नहीं बात किया तो सूची बनाए कमल बैठे देखिए ऋण मोचन ऐसे प्रकार की जाएगी
जिसे लगा था केवल पुष्टि करें निर्वाचन के विपरीत करके उसकी विपरीत उसकी पात्र जो है क्यों असलिया हो जाता है इस पर जल्द उसकी कर पाए सर क्या आप उनको बताएंगे ऑफिस पुष्टि हो जाएगी तो मुझे बताइए उसे आप कोई मसल करोगे अधिकार पुलिस मसल करोगे करोगे उनका क्या मामला जो सिर्फ लघु सीमांत कृषक की किसान लोन संबंध है वही पुष्टि कर जैसे मुझे आता है ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं लगता सहमति आपकी रेडिंग आप सहमति से तो एक बार आगे ऊपर किसान कोई बात नहीं तो ये कैसे हम संजय पर 60,000 लोगों को मिलना है आपके नाम से बनाया है अगर हम संजय कार्ड करवा रहे हैं तो 60,000 लोगों को मिलना पक्का हो जाएगा हमारी नेक्स्ट सरकार मिल जाएगी